आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। चूंकि इस स्टॉक में आज के ही जो दिन है उसमें मीटिंग होनी है ईजीएम और शेयर होल्डर की, जिसमें कि जो फंड रेज किया गया है 8900 करोड़ का, उस फंड के अप्रूवल को लेकर के, और साथ में ही जिस प्रकार से कंपनी फंड रेज को यूटिलाइज करते हुए दिख रही है, तो मेरा पर्सनली व्यू काफी बुलिश है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। जब हमने आपको इस स्टॉक को बाइंग करने के लिए कहा, जब हमने बाय ऑन डिप्स के बाद इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए कहा, तो बहुत सारे क्रिटिक्स कमेंट में आकर के लिखा भी कि अगेन ये कंसोलिडेशन फेज में चलने वाला है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये स्टॉक आपको कंसोलिडेशन में दिखेगा। इस समय कहानी अलग है, स्टोरी अलग है, ट्रेंड अलग है, और ये ट्रेंड कंटिन्यू बना रहने वाला है तो मेरा पर्सनली मानना है। अभी देखेंगे तो एक माइनर रेजिस्टेंस 17 रुपीज के आसपास का है और 24-30 तक के टारगेट्स बहुत दूर नहीं है। जब ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो क्लियरली विजिबल है और ये ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। इस समय देखेंगे कि प्राइस 16 रुपीज 55 पैसा का है और RSI अभी देखेंगे तो वो स्टेबल 60 पे है। RSI जब 80 से अबव होता है 85-90 उसको हाई RSI कहा जाता है, वहां से कुछ कूल ऑफ दिखता है, लेकिन एज ऑफ नाउ RSI काफी स्टेबल है। यहां से ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी बाकी है तो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है कि पोजीशन बनाए रखें, एग्जिट करने की बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहिए।